Hello students, today we will start our environmental studies EVS chapter number 4 of class 1 means hum aaj EVS padhenge chapter number 4 my family class 1 ke liye. Okay, now let's start my family. Hello, I am Nancy. ये नैन्सी की पिक्चर है. ओके, नैन्सी क्या कह रही है? हेलो, आई एम नैन्सी. मैं नैन्सी हूँ. आई एम अ गर्ल. मैं एक लड़की हूँ. अमित इज माई ब्रदर एंड आई एम हिज सिस्टर. अमित मेरा भाई है. ब्रदर मीन्स भाई होता है ना. अमित मेरा भाई है एंड आई एम हिज सिस्टर. मैं उसकी बहन हूँ. अमित भाई है और नैन्सी सिस्टर है. वी लिव इन अ हाउस. हम एक घर में रहते हैं. विथ आवर मदर एंड फादर. अपने मम्मी और पापा के साथ. माई मदर एंड फादर आर माई पेरेंट्स. जो हमारे मम्मी पापा होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं. ठीक है, हम मम्मी पापा को क्या बोलते हैं? पेरेंट्स. सो मेरे मम्मी और पापा हमारे पेरेंट्स हैं. माई ब्रदर एंड आई आर देयर चिल्ड्रन. और मैं और मेरा भाई उनके बच्चे हैं. चिल्ड्रन मीन्स बच्चे. पेरेंट्स हैं उनके बच्चे. आई एम देयर डॉटर. मैं उनकी बेटी हूँ. डॉटर मीन्स बेटी. एंड माई ब्रदर इज देयर सन. सन मीन्स बेटा. तो नैन्सी उनकी बेटी है और अमित उनका बेटा. वी ऑल लिव टुगेदर. हम सब साथ में रहते हैं. वी आर अ फैमिली. हम एक फैमिली हैं. फैमिली मीन्स परिवार. देयर आर फोर मेंबर्स इन आर फैमिली. हमारी फैमिली में फोर मेंबर्स हैं. आर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली. जब आपके घर में फोर मेंबर्स ही होते हैं या थ्री मेंबर्स होते हैं तो वो आपकी स्मॉल फैमिली होती है. ठीक है, जब आपके घर में आपके मम्मी पापा आपका भाई और आप रहते हो वो एक स्मॉल फैमिली होती है. ठीक है, आई लव माई पेरेंट्स. मैं अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती हूँ. दे लव एंड टेक केयर ऑफ माई ब्रदर एंड मी. मीन्स हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे मम्मी पापा हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारी केयर करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं. किसकी? मेरे ब्रदर की और मेरी. रीना लिव्स विथ हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. रीना किसके साथ रहती है? अपने पेरेंट्स के साथ और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? दादी जी और दादाजी, मतलब आपके पापा के भी मम्मी पापा. ठीक है, आपके मम्मी पापा और आपके मम्मी पापा के मम्मी पापा आपके साथ रह रहे हैं. किसके साथ? रीना के साथ. तो रीना किसके साथ रहती है? अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. हर अंकल एंड आंट ऑल्सो लिव विद देम. उसके चाचा जी और चाची जी भी उसके साथ रहते हैं. अंकल आंट एंड अंकल दोनों साथ में. ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, रीना, अंकल आंट सब एक साथ रहते हैं. देयर आर मैनी मेम्बर्स इन हर फैमिली. और इसलिए इनके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं. कजन्स भी हैं. चाचा चाची के भी तो बच्चे हैं ना. सो अ फैमिली दैट हैज़ मैनी मेम्बर्स इज कॉल्ड अ बिग फैमिली. इसलिए जिस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं वो बिग फैमिली होती है. ये छोटी फैमिली है क्योंकि इसमें कम लोग हैं. ये बड़ी फैमिली है, बिग फैमिली, इसलिए इसको ज़्यादा लोग होने के कारण बिग फैमिली कहते हैं. अ फैमिली लिव्स टुगेदर इन अ हाउस. पूरी फैमिली एक साथ एक घर में रहती है. मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लुक आफ्टर एंड केयर फॉर ईच अदर. मेंबर्स मतलब घर के लोग एक दूसरे की केयर करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं. ऑल द फैमिली मेंबर्स गेट टुगेदर ऑन डिफरेंट ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स, बर्थडेज एंड फेस्टिवल्स. मीन्स फैमिली मेंबर्स सारे कब आपस में मिलते हैं? जब कोई डिफरेंट ओकेजन होता है. जैसे कोई शादी पड़ गई है तो आप जाते हो ना अपने दादाजी दादी जी के घर. जब शादियां पड़ती हैं आपके घर में या बुआ की शादी है, किसी की शादी है, आप जाते हो तो
उस वक्त हम अपनी फैमिली से मिलते हैं। बर्थडेज, जब बर्थडे होता है तो भी फैमिली हम लोग गैदरिंग एक संग करते हैं। फेस्टिवल्स, त्योहारों पे आपस में एक संग मिलते जुलते हैं, है ना। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर द सेम सरनेम। सरनेम क्या होता है? जो आपके नेम के आगे होता है। जैसे आप वर्मा लगाते हो, मैथ्यूज लगाते हो, अली लगाते हो, जैन लगाते हो, शर्मा लगाते हो, आपके नाम चौधरी लगाते हो, आपके नाम के आगे जो सरनेम होता है, टाइटल होती है, वो आपको सरनेम होता है, वो आपका, जो कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना होता है। द सरनेम इज द लास्ट नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वर्मा, मैथ्यूज, अली एंड जैन, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। आपका नाम है तो, जैसे आपका नाम है रीटा, रीटा मैथ्यूज, तो मैथ्यूज आपका सरनेम हो गया। ओके, वो आपकी फैमिली में सब यही लगाते हैं, तो उसको सरनेम बोलते हैं, जो कि लास्ट नेम होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस। टेक द करेक्ट आंसर्स। नंबर वन, माय फादर एंड मदर आर माय पेरेंट्स, वेरी गुड। वी आर आवर पेरेंट्स चिल्ड्रेन, हम अपने पेरेंट्स के क्या हैं, बच्चे हैं। माय पेरेंट्स सन इज माय, हमारे जो मेरे पेरेंट हैं उनका जो बेटा है वो हमारा क्या लगता है, ब्रदर, भाई। नंबर फोर, अ फैमिली ऑफ फोर मेंबर्स इज अ स्मॉल फैमिली। फोर मेंबर्स अगर होते हैं घर में या थ्री होते हैं तो वो एक स्मॉल फैमिली होती है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए आपको अपनी बुक में फिल करना होगा, ठीक है। पेज नंबर 12 पेज नंबर पे एक्सरसाइज ए है, उसे आप अपनी बुक में फिल करोगे। ओके, एक्सरसाइज बी, टेक द करेक्ट सेंटेंसेस एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। नंबर वन, देयर आर मेनी मेंबर्स इन अ स्मॉल फैमिली। क्रॉस, फोर मेंबर्स होते हैं या थ्री मेंबर्स होते हैं स्मॉल फैमिली में। ओके, नंबर टू, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली केयर फॉर ईच अदर। यस, घर के सभी लोग एक दूसरे की देखभाल करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो दिस इज करेक्ट। नंबर थ्री, द सरनेम इज द फर्स्ट नेम, नो इट इज द लास्ट नेम, तो इट विल बी क्रॉस। स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव टू डू एक्सरसाइज बी ऑल्सो इन योर बुक इटसेल्फ। एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द गिवन वर्ड्स। नंबर वन, नैन्सीज फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली, नैन्सी की फैमिली स्मॉल फैमिली थी। नंबर टू, आर पेरेंट्स लव एंड टेक केयर ऑफ अस, ठीक है। नंबर थ्री, अ फैमिली दैट हैज मेनी मेंबर्स इज कॉल्ड अ बिग फैमिली, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं वो बिग फैमिली होती है। नंबर फोर, अ फैमिली लिव्स टुगेदर इन अ हाउस, एक घर में रहती है, वन फैमिली, एक परिवार घर में रहता है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज सी ऑल्सो स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू डू इन द बुक इटसेल्फ। एक्सरसाइज ए, बी एंड सी आपको बुक में फिल करना है। एक्सरसाइज डी आपको कॉपी में करना है, बिकॉज ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर वन, व्हाट डू वी कॉल अ फैमिली दैट हैज फोर मेंबर्स, तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, अ फैमिली दैट हैज फोर मेंबर्स इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली। नंबर टू, व्हेन डू ऑल द फैमिली मेंबर्स गेट टुगेदर, सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ कब होते हैं, द फैमिली मेंबर्स गेट टुगेदर ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग टाइम पर वो सारे आपके साथ होते हैं। नंबर थ्री, व्हाट डू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं आपस में क्या शेयर करते हैं, अपना सरनेम, जो लास्ट नेम होता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर द सरनेम, सेम सरनेम, जैसे आपके पापा, अगर लास्ट नेम आप पापा आपके चौधरी लगाते हैं, देन आप भी चौधरी लगाते हो, ठीक है, तो चौधरी आपका सरनेम होता है, तो फैमिली मेंबर्स सेम सरनेम शेयर करते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज डी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 4 डाल के, लेसन नेम लिख के, उसके बाद आप एक्सरसाइज डी डालोगे, ये क्वेश्चन लिखोगे, फिर इसका आंसर अ फैमिली से स्टार्ट करोगे, इसका द फैमिली से और इसका ऑल द फैमिली से। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।
Thank you.